हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 16 फरवरी 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेतन शर्मा के रिगार्डिंग, जहां पर हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक के बाद एक काफी सारी बातें चेतन शर्मा के द्वारा बोली गई थी। उनकी जो वीडियो, एक तरीके से आप उसको स्कैंडलस वीडियो बोल सकते हैं, वो जो वायरल हो गई थी, उसके बाद चेतन शर्मा के ऊपर लगातार काफी ज्यादा उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रॉल किया जा रहा था कि इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद इस तरीके के स्टेटमेंट आप किस तरीके से दे सकते हो। तो खैर, चेतन शर्मा की साइड से अब फाइनली जो BCCI है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो 90-95% यही बात निकल कर आ रही है कि चेतन शर्मा फायर होने वाले हैं। BCCI के सेलेक्टर की पोस्ट से उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सेलेक्शन की पोस्ट में रहने के बाद अगर वो ऐसा कुछ करते तो वो समझ में भी आता, लेकिन सेलेक्टर रहते हुए इस तरीके की बातें बोलने से अब चेतन शर्मा का जो करियर है वो यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनने को भी मिल जाए जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 में, जहां BCCI कुछ नए और एक्साइटिंग रूल्स तो इस बार लेकर आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर आईपीएल फैन पार्क आप लोगों को इस बार देखने को मिलेंगे। जब आप लोगों ने साउथ अफ्रीका में मैचेस होते हुए देखे होंगे या फिर किसी बाहर की कंट्री में आप लोग देखते होंगे तो वहां पर अलग अलग फैन पार्क बनाए जाते हैं जहां पर बैठकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि शायद उसकी टिकटिंग और प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसी तरीके की चीजें आप लोगों को आईपीएल में भी देखने को मिलेंगी, जहां पर आईपीएल में भी इसी साल से यानी कि आईपीएल 2023 से ही आप लोगों को BCCI फैन पार्क को एस्टेब्लिश करते हुए देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर विमेंस प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग RCB की टीम ने अपने पूरे के पूरे कोचिंग स्टाफ की अनाउंसमेंट कल कर दी है। जहां पर सबसे पहले नंबर पर RCB की टीम ने मेंटोर के तौर पर एक थोड़ा सा अलग डिसीजन लिया, जहां पर RCB की टीम ने अपने मेंटोर के तौर पर सानिया मिर्जा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद अगर बात की जाए RCB की टीम के हेड एथलेटिक थेरेपिस्ट के तौर पर, तो इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है नवनीता गौतम को। इसके बाद अगर बात की जाए RCB की टीम के टीम डॉक्टर और टीम मैनेजर की, तो डॉक्टर हरिनी को इन्होंने अपनी टीम के डॉक्टर के तौर पर शामिल कर लिया है। इसके बाद अगर RCB की जो टीम है उनके अगर हम बात करें हेड कोच की, तो बेन सॉवर आप लोगों को इनके हेड कोच के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं, असिस्टेंट हेड कोच। और उसके साथ ही स्काउटिंग के हेड की अगर बात की जाए तो इसके तौर पर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं मलोलन रंगराजन। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फील्डिंग कोच और स्काउट की, तो यहाँ पर आप लोगों को वंथिका VR का नाम देखने को मिल जाता है। तो वहीं बल्लेबाजी कोच के तौर पर RX मुरली और उसके साथ ही डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर माइक हैसन आप लोगों को RCB की टीम की कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है इंटरनेशनल रैंकिंग के रिगार्डिंग, जहाँ पर कल ICC के द्वारा सारी की सारी रैंकिंग्स आउट की गई थी और इसमें शाम को 3 बजे आउट हुई थी, जिसमें भारत की टीम T20 फॉर्मेट, उसके साथ ही ODI फॉर्मेट और उसके साथ ही टेस्ट तीनों के तीनों फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। लेकिन इसके बाद हमें एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली, जहां पर शाम को 7 बजे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापस से अपने नंबर 1 की पोजीशन को क्लेम कर लिया। और अगर आप लोग करेंटली रैंकिंग जाकर देखेंगे तो वहां पर भारत की टीम T20 और उसके साथ ही ODI में तो नंबर 1 पर है, लेकिन अगर आप टेस्ट फॉर्मेट में देखेंगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापस से अपने नंबर 1 की पोजीशन को रीगेन कर लिया है। तो खैर, ये पता नहीं क्या वोलेटाइल सिस्टम ICC का चल रहा है, इससे पहले भी एक बार ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है भारत की टीम के नंबर 1 स्पॉट के रिगार्डिंग। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद भारत की टीम नंबर 1 पर ही फिनिश करेगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है स्टार स्पोर्ट्स की साइड से, जहां पर स्टार स्पोर्ट्स अब जितने भी आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट गेंदबाज या फिर इस तरीके की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज में आप लोगों को अवार्ड्स देते हुए नजर आने वाला है। जहां पर अगर बात की जाए अवार्ड्स की, तो एक एक करके आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने वैसे तो काफी सारे अवार्ड्स दिए हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें कैप्टन की, तो बेस्ट कैप्टन के तौर पर 4 नॉमिनेशंस को शामिल किया गया है, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और उनके साथी शेन वॉन। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन है आईपीएल की हिस्ट्री का बेस्ट कैप्टन। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो है बेस्ट बैट्समैन की, जिसमें जो 4 प्लेयर्स लिए गए हैं वो हैं एविड
डेविड डिविलियर्स, उनके साथ ही डेविड वार्नर, उनके साथ ही क्रिस गेल और उनके साथ ही सुरेश रैना। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे जो बेस्ट गेंदबाज होता है उसकी, और उसकी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं राशिद खान, उनके साथ ही जसप्रीत बुमराह, उनके साथ ही सुनील नरेना, उनके साथ ही युजवेंद्र चहल। तो आप लोगों के इन सारे के सारी कैटेगरीज में कौन कौन से विनर हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग, जहां पर कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से। वेंकटेश अय्यर की ट्रेड को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से तीन बड़े प्लेयर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की ट्रेड के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो एक ही पार्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में अभी से कुछ देर के बाद आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी और आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले भी देख पाएंगे। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है श्रेयस अय्यर के रिगार्डिंग, जहां पर काफी सारे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस का एक कमेंट था कि क्या श्रेयस अय्यर हमें आईपीएल 2023 में फिट होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। अगर आपका भी ये क्वेश्चन था तो आपके लिए हम आंसर कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं किसका ये क्वेश्चन था। तो खैर श्रेयस अय्यर आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो भारत की टीम से भी बाहर हो गए थे अपने इंजरी के इश्यूज की वजह से, लेकिन जितने भी कोलकाता नाइट राइडर्स और श्रेयस अय्यर के फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अब अपनी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लोग अभी से आईपीएल के बीच की ड्यूरेशन देखें तो काफी सारा टाइम अभी बचा हुआ है, और श्रेयस अय्यर की इंजरी को इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं थी बुमराह या फिर दीपक चाहर की तरह। तो श्रेयस अय्यर डेफिनेटली आप लोगों को जल्दी ही भारत की टीम में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, जिसका मतलब है भारत की टीम तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के जहां पर ये कप्तान भी है वहां पहले मुकाबले से ही अवेलेबल रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट की तरफ, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर अब सीएसके के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अब काफी ज्यादा दिक्कतों में फंस चुकी है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं काइल जेमिसन, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम की साइड से मोस्ट प्रोबेबली कुछ मुकाबले आप लोगों को स्किप करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनको एनओसी नहीं मिल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड की साइड से बेन स्टोक्स, जहां पर आप लोग जानते ही हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो हर बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके साथ होती रहती हैं कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो नहीं भेजना चाहता उनको इतने लंबे टाइम के लिए, और खासकर जब इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज एशेज होने वाली है तो उसमें तो ये बिल्कुल ही चाहते हैं कि इनके प्लेयर्स रेस्ट करें और एशेज की प्रिपरेशन करें। लेकिन ऐसे में क्योंकि स्टोक्स को बहुत हाई प्राइस में खरीदा था तो उनको भी आईपीएल में आना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए मोइन अली की तो उनकी अवेलेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अब वो भी टेस्ट क्रिकेट में वापस रिटर्न कर चुके हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।